डबल रोटी में छेद क्यों होते हैं? डबल रोटी गेहूं के आटे या मैदे से बनाई जाती है। मैदे को पानी के साथ गूंद लिया जाता है और इसमें थोड़ा सा खमीर, चीनी और नमक मिला देते हैं। खमीर एक प्रकार का फफूंद होता है, मैदे की गर्मी और नमी के कारण बड़ी तेजी से बढ़ता है। इसके बढ़ने में कुछ गैस पैदा होती है और इसके बुलबुलों के कारण गूंदी हुई मैदा का आयतन भी बढ़ जाता है। जब इसे भट्टियों में सेंका जाता है तो ये गैस के बुलबुले फूट फूट कर डबल रोटी में छोटे छोटे छेद पैदा कर देते हैं। इसी खमीर के कारण डबल रोटी में गंध और स्वाद पैदा हो जाता है। केक में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन ये छेद खमीर के कारण नहीं होते बल्कि बेकिंग सोडा की वजह से होते हैं। केक में टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण मिलाते हैं जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। जब इन दोनों को मिलाकर आटे के साथ गीला करके पकाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी गैस के बुलबुलों के टूटने से केक में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं।